नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, आज CUET में एक बदलाव हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको पता होगा कि अब विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होता है और उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट बुक है ई विद्या की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये संपूर्ण गाइड है, ऑल इन वन है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लिखा भी है इसमें कि सेक्शन फर्स्ट हिंदी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज, सेक्शन सेकेंड इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र समाजशास्त्र मनोविज्ञान, सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट, जो भी होता है सारा का सारा जो सिलेबस है वो इस पुस्तक में कवर किया गया है। ई विद्या की इस बुक में आप लोगों को सॉल्व पेपर भी मिलेगा, 2200 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट यानी क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें मिलेंगे। ये पुस्तक जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में आपको मिल जाएगी। सभी कापी किताबों की दुकानों में भी आपको ये पुस्तक मिल सकती है और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ई विद्या की ये पुस्तक इसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। और एक बात बता दूं कि अगर आप लोग बीए करना चाहती हैं, बीएससी करना चाहती हैं, बीकॉम करना चाहते हैं तो तीनों के लिए ये पुस्तक अलग अलग आती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन तीनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। ये अपने आप में संपूर्ण गाइड है, इनमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। कुल मिलाकर के सब कुछ आपको इसी एक गाइड बुक में मिल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है हाइब्रिड मोड में CUET देंगे विद्यार्थी, समय से होगा विश्वविद्यालय में प्रवेश। लखनऊ विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम में बोले UGC के चेयरमैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC इस बार हाइब्रिड मोड में CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराएगा। इससे जून के पहले और दूसरे सप्ताह तक प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाएगा। अगस्त में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ CUET में शामिल राज्य विश्वविद्यालय समय से छात्रों का प्रवेश कर पाएंगे। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम में यह बात UGC के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कही। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि ये हाइब्रिड मोड क्या होता है, तो हाइब्रिड मोड के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से पहले चर्चाएं थी कि यूपी की जो पुलिस भर्ती है या कांस्टेबल भर्ती है उसमें भी ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन ये प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। बाद में OMR बेस्ड परीक्षा आज हो रही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्यूटर पर रहेंगे और आपको जो उसके आंसर है वो OMR में देने होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट होने से छात्रों को असुविधा होती थी, अब हाइब्रिड मोड में सभी प्रमुख विषयों में पेपर मेन यानी OMR पर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेंगे। सभी केंद्रीय स्कूल परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए विश्वविद्यालयों में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू किया गया है। तो हाइब्रिड मोड में जो आप बैठेंगे कंप्यूटर के सामने, कंप्यूटर में पेपर आएगा और उसके बाद में आप उसको जो OMR सीट दी जाएगी उसको आप लोग फिलअप करेंगे। इस तरीके से अब आपकी परीक्षा होगी, एक बड़ा बदलाव है। अगली जो सूचना है वो पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की है। आज से पुलिस भर्ती की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इसी बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान भी आया है। ये सूचना मैंने इसलिए इस वीडियो में रखी है ताकि आप लोग अपनी राय इसमें रख सकें। लिखा है उत्तर प्रदेश में पारदर्शी और ईमानदार पुलिस भर्ती के लिए सपा के समय हुई मेरिट पर आधारित भर्ती का तरीका अपना करके तत्काल भर्ती करनी चाहिए। इससे भाजपा सरकार को पीछे के रास्ते से PDA की हकमारी का मौका भी नहीं मिलेगा। जिस तरह भाजपा राज में परीक्षाओं में पर्चा लीक होता है या रिजल्ट नहीं आते हैं और साक्षात्कारों में भेदभाव होता है, तो उस हिसाब से भाजपा काल में सही भर्ती मुमकिन हो ही नहीं सकती है। तो समाजवादी पार्टी का पहले से ही रहा है कि भर्तियों को हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो नंबर होते हैं उस आधार पर भर्तियों को करवाया जाए। इससे जो पेपर होते हैं, पेपर लीक होता है, भर्तियां फंसती हैं, उस चीज से बचत हो सकेगी। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय रख सकते हैं, मैं भी अपनी राय रखता हूं। और जहां तक मुझे लगता है कि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं, वो सारे एग्जाम लिखित परीक्षा के आधार पर ही हों और लेकिन उसमें भ्रष्टाचार ना हो। सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए सभी लिखित परीक्षाएं कराएं। ऐसा नहीं है कि लिखित परीक्षा पर भ्रष्टाचार होता ही है। हमने बिहार और बहुत सारी ऐसी भी भर्तियां देखी हैं जहां पर लिखित परीक्षा से निष्पक्ष भर्ती हो सकी है और निष्पक्ष तरीके से भर्ती करवाई जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, लेकिन भर्तियां जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम से ही हों। उससे होता यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके वास्तव में नंबर
कम मूल्यांकन में उनको नंबर कम मिलते हैं और खासतौर से यूपी बोर्ड में नंबर कम मिलते हैं और जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं उनके नंबर ज्यादा मिलते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अगर अकेडमी के आधार पर भर्तियां होने लगेंगी जैसा पहले होता था, हालांकि यूपी ट्रिपल एससी की भी बहुत सारी भर्तियां समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मेरिट के आधार पर होने लगी थी और मेरिट का काफी प्रभाव रहता था, हम लोगों ने देखा था कि जूनियर असिस्टेंट और बहुत सारी वैकेंसीज में नंबर जुड़ते थे, शिक्षक भर्ती में तो नंबर जुड़ते ही थे और यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में भी जुड़ने लगे थे, तो उसको धीरे धीरे हटा दिया गया। अब पूरी तरीके से लिखित परीक्षा के आधार पर ही जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी होती है और जो शिक्षक भर्तियां होती हैं उसमें भी विद्यार्थियों को सुपरटेट देना होता है। अगर अगर एकेडमी के आधार पर भर्तियां होने लगेंगी तो क्या जो हाई स्कूल इंटर में जो नकल होती है तो क्या ये जो चीजें अभी हो रही हैं ये चीजें हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में होने लगेंगी? शिक्षा माफिया उधर चले जाएंगे, हाई स्कूल में ठेका लेने लगेंगे, इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में ठेका लेने लगेंगे। बात तो एक ही है, परीक्षा वहां भी देनी है, परीक्षा यहाँ भी देनी है। तो मेरा मानना यह है कि नकल माफियाओं पर रोक लगे, उन पर कठोर कार्रवाई हो, परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से शुचितापूर्व तरीके से, लेकिन आप लोगों की राय आवश्यक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर बताएं कि भर्तियां जो है वो मेरिट से हों या कंपटीशन के एग्जाम से। और हालांकि ये बात सही है कि जो तो ये चीजें हो गई। और एक और सूचना है लेखपाल भर्ती को लेकर के, जानकारी मिली है कि लेखपाल भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने लेखपाल भर्ती पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी अधिक जानकारी मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और पहले ये मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से विद्यार्थी असंतुष्ट हुए, उसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। बताया जा रहा है कि कल देर रात में ही सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो अपलोड हो गया है। वहीं पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के भी सूचनाएं मिल रही हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि पेपर लीक वगैरह ये सब मात्र जो चीज़ें वो अफवाहें, इनके चक्कर में विद्यार्थी बिल्कुल भी ना पड़े। पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है और पुलिस ने बहुत सारे जिलों से बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया, आप सुन सकते हैं। और सभी थानों की टीमें कर रही हैं। इसी क्षेत्र में ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति है अमित सिंह, पुत्र जलभरत सिंह, निवासी बगली बीघा, थाना सराय लखन सिंह। इसके द्वारा कतिपय अभ्यर्थियों से 4 लाख रुपए से लेकर 9.5 लाख रुपए तक की डिमांड लेकर और 2 किस्तों में उनका पैसा लेकर उनका चयन कराए जाने की पेपर लीक की बात की जा रही थी। उनको एक जगह पर एकत्रित कर कुछ पढ़ाकर और सीधे बिना किसी को बताए एग्जाम सेंटर तक पहुंचाए जाने की बात इनके द्वारा की जा रही थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस और जो हमारी सर्विलांस टीम है अनिल सिंह कोतवाल और अमित मिश्रा कंसल्टेंसी का मालिक जो रणजीत पांडे स्मारक महिला विद्यालय भी चला रहा है रविकांत पांडे, वो मौके से फरार है, लेकिन ये पूरा गैंग उसी के। तो यहाँ पर आप लोगों ने भी सुना होगा कई जगह इस तरीके की सूचनाएं आई हैं और वो सब फर्जी पेपर हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन असली जानकारी तो जब परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी ना उसके बाद में पता चलेगा कि ये जो चीज़ें थी वो सही थी या गलत थी। फिलहाल पुलिस ने अच्छी दबज दी है और काफ़ी बड़ी कार्रवाई की है। कई जिलों से इस तरीके की सूचनाएँ आई हैं कि विद्यार्थियों को पहले से पढ़वाने के लिए इकट्ठा किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।